Hi children, we had given you a homework to identify five nouns from the lesson Bamboo Curry. Some of you have done it really well, you've got everything wrong. I think some of you are still confused about what nouns means. So today we are going to go through the lesson and explain to you all the nouns that are there in it. Okay, so bachcho, name, place and thing, theek hai? उसको बोलते हैं नाउन का डेफिनेशन ये है कि किसी का नाम है, कोई जगह है, कोई चीज है. स्टार्ट कर रहे हैं बैम्बू करी वाले, फिर से एक बार रिवाइज करते हैं. मदर इन लॉ, मदर इन लॉ इज अ नाउन. क्यों क्यों नाउन है? राधिका मैम विल राइट इट बिकॉज इट्स अ पर्सन. आगे है संथल, संथल इज अ tribe or a place, it's a place. Bridegroom, person, again bridegroom person hai. Dish, thing, koi cheez hai na, dish hoti hai koi pakwan, to thing hui, theek hai. Next number 2 pe ja rahe hain. curry jo hamari sabzi taiyar hoti hai, to curry kya hua? A thing. Mother-in-law, person. Bamboo door, a thing. Morning जो है उसको हम बोलते हैं सुबह, दोपहर, शाम, ये जो सारे टाइम होते हैं उसको क्या है? वो नेम है सुबह का, मॉर्निंग का, सुबह का टाइम है तो उसको ये नेम हुआ. आगे है बैम्बू. बैम्बू क्या है? कोई चीज का नाम है ना, बांस होता है बैम्बू. विलेज, गांव, तो क्या है? प्लेस. विलेज हुआ प्लेस. अच्छा, बैम्बू फिर से आ गया तो अगेन हमें पता है, हमने पहले भी आप लिखा ऊपर, थिंग है. डोर, अ थिंग, कोई चीज है ना डोर. होम, प्लेस, सो नेम प्लेस थिंग हम बोलते हैं ना, तो प्लेस है होम. विलेज, प्लेस अगेन. Wife, name. Bamboo door, a thing. Curry, sorry, there was curry over here. That will be a thing. Curry is a thing. So, bamboo door, again a thing. Niche aa gaya, phir se curry aa gaya. Curry is a thing. Bamboo door, a thing. आगे जा रहे, फिर से बैम्बू आया तो कोई चीज है, थिंग. वाइफ, नेम. अ पर्सन. अ हस्बैंड, अ पर्सन. वाइफ, अ पर्सन अगेन. वाटर, अ थिंग. In-laws, a person. Couple, persons, जोड़ा हुआ ना दो लोगों का. Okay. People, correct. Mother-in-law, evening, person. Okay. We will go one line before. Evening again, there is evening is a noun. Morning का बोला था ना, name है morning. Evening में भी इवनिंग टाइम जो होता है, सो इट्स अ नेम अगेन. मदर इन लॉ, अ पर्सन. करी, थिंग. बैम्बू शूट, अ थिंग. और बैम्बू डोर, अ थिंग. अब दो तीन मिस्टेक्स बेटा आप सब लोगों ने जो टेस्ट में कॉमन करी है. किसी ने लिखा है कि गोइंग, लिख दिया कि ओ गोइंग इज अ नाउन. नहीं बेटा, गोइंग है वर्ब. गो इज अ वर्ब. वर्ब के बारे में हम आपको, जब नाउन आपके क्लियर हो जाएंगे, हम आपको समझाएंगे, ठीक है. बहुत सारे बच्चों ने बेटे डिलिशियस के स्पेलिंग गलत लिखे हैं, ठीक है. वो मैंने स्पेलिंग मिस्टेक निकाली है डिलिशियस की,
तो डिलीशियस जो है वो नाउन नहीं है, ठीक है, वो एक एडजेक्टिव होता है, वो भी हम आपको बाद में बताएंगे, उसके बारे में नहीं सोचो, बस उसके स्पेलिंग ठीक कर लो, डिलीशियस के स्पेलिंग। तीसरी जो कॉमन मिस्टेक है, जब बच्चों ने लिखा है मदर इन लॉ तो वो एक शब्द लिख दिया, ये कभी भी एक शब्द नहीं है, अर्थ इसका एक ही है, मदर इन लॉ का मतलब होता है सास, लेकिन जैसे अभी यहाँ पे राधिका मैम ने लिखा मदर इन लॉ, इस तरह से लिखा जाता है, बस इतना मुझे करेक्ट करना था। बच्चे ध्यान से फिर से लेसन पढ़ो, नाउन को समझने की कोशिश करो, ताकि हम आपको अगले चैप्टर्स आगे करवाएं, वर्ब सिखाएं इसके आगे आपको, ठीक है।